अगर कुछ ऑपरेशन तो आपको पता होते हैं ना कि यार जैसे एडिशन का मतलब आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको पता है, कुछ ऐसे भी ऑपरेशन होते हैं जिनको वो सवाल में डिफाइन कर देते हैं। जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो पता है ना, लेकिन कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसको आपको मतलब नहीं पता लेकिन वो आपको मतलब बता देते हैं। जैसे यहां पे एक ऑपरेशन गिवन है कि अगर स्टेरिक एक ऐसा ऑपरेशन है कि जब वो आप किसी दो नंबर्स में ऑपरेट करवा रहे हो ना तो वो बराबर हो जाएगा 3xy के। जैसे एडिशन का मतलब क्या होता था कि आप दोनों को ऐड कर दिया करते थे। इस वाले ऑपरेशन का मतलब ये कि लेट कर लो अगर यहां पे 2 और 3 होगा और उनके दरमियान ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये बराबर हो जाएगा 3 टाइम एक्स मल्टीप्लाई वाई जो कि यहां पे 3 के बराबर है। ठीक है, 3 टाइम एक्स इंटू वाई। तो जो स्टेरिक ऑपरेशन है ना इसका मतलब है कि 3 को मल्टीप्लाई करो एक्स से, मल्टीप्लाई करो वाई से। तो इस ऑपरेशन को अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। सवाल ये वो बोलना चाह रहे हैं कि इस ऑपरेशन में आइडेंटिटी बताओ। अगर ये तो पॉजिटिव ऑपरेशन होता तो आइडेंटिटी 0 होती है, अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो आइडेंटिटी 1 होती है। लेकिन ये ऑपरेशन ही उन्होंने अलग तरीके से डिफाइन किया है, ये एडिशन मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी भी डिफरेंट होगी। तो अब इसकी आइडेंटिटी कैसे निकालोगे वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं। तो इस ट्रिक को याद रखना, इस टाइप का सवाल आ जाए, ये सवाल आपको 5 चैप्टर में बहुत मिलेंगे। इस टाइप का सवाल आ जाए 5xy लिखा हुआ हो या आपके सामने लिखा हो 2xy, वैसे पैटर्न देख लो 3xy 5xy 2xy, जब भी इस टाइप, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यू इस टाइप के आ रहे होते हैं, जब भी इस टाइप के एमसीक्यूज आए ना तो इस पे अगर आपने आइडेंटिटी निकालनी हो तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिटी को आप ई से लिखते हो, 3 है ना तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 1/3। इसी तरह यहां पे 5 लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी हो जाएगी 1/5। यहां पे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब आइडेंटिटी हो जाएगी 1/2। तो इसमें आपको बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह आइडेंटिटी निकाल सकते हो। और ये आई कहां से, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट तो मैंने आपको बता दिया किस तरह निकाले, लेकिन कॉन्सेप्ट भी देख लो, वो इनवर्स में आगे काम आएगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर पिक करो एक्स, एक्स को जब आप आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाते हो तो रिजल्ट में क्या होता है, एक्स ही आता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपने ऑपरेट किया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक नंबर एक्स था उसको आपने आइडेंटिटी से ऑपरेट किया, रिजल्ट में वो एक्स ही आएगा। ठीक है, अब ऊपर सवाल में उन्होंने डिफाइन किया हुआ था कि जब एक्स और वाई को ऑपरेट करवाते हो तो आंसर क्या होता है, 3xy होता है। तो जब मैं एक्स और ई को ऑपरेट करवाऊंगा तो आंसर क्या होगा, 3xe, बिल्कुल इसी पैटर्न पे इक्वल टू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ये है जो आप अपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में करते थे, लेकिन डायरेक्ट इस तरह निकाल लोगे, आपको ये सॉल्व करने की क्या जरूरत है डायरेक्ट जब आपको चीज समझ आ रही है। तो इस टाइप की कोई भी एग्जांपल अगर आ गई वो तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी निकाल सकते हो, और अगर इस टाइप की ना हुई, कुछ डिफरेंट टाइप की हुई, जैसे 2x + y आ जाए या कुछ भी डिफरेंट टाइप का हो जाए, तो मेथड मैंने आपको बता दी है। ये सिंपल जो इक्वेशन है आप इसको लेट करते हो, फिर जो ऑपरेशन गिवन होता है ना सवाल में उसके मुताबिक ऑपरेट करते हो और आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हाँ ई को क्या कहते हैं, ये ई आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मतलब ई यहां पे आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं। सर आंसर ही मतलब, सॉरी सर, सर अगर जैसे एक्स वाई 3xy, सर अगर ये फॉर्म में आ जाए तो सर 3xy आ जाएगा इस आंसर, मतलब इस तरह कह रहे हो सर, 1/3/2 नो सर, 3/2 इसका 2/3 आना चाहिए, देख लेते हैं 2/3 आएगा इसका, करके देख लेते हैं। तो वही इक्वेशन जो है उन्होंने डिस्कस की थी, वही इक्वेशन को कंसीडर करो। अच्छा, x और e को ऑपरेट करवाने का मतलब क्या है, आप 3/2 लगाओगे, xy मतलब xe, तो x से x कैंसिल, अगेन वही बात है, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइड हो जाएगा, तो आइडेंटिटी आ जाएगी 2/3। सर फिर 1/3 आ जाए तो सर 3 आ जाएगा आंसर। हाँ थैंक्स। अच्छा, या तो सवाल मैं आपको बोलेंगे आइडेंटिटी निकालो, या सवाल बोलेंगे इनवर्स निकालो, तो दो ही किस्म का आता है और नहीं आ सकता। क्या बताया,
अच्छा आइडेंटिटी जो है वो एक ही रहती है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल नंबर कंसीडर कर लो, आइडेंटिटी जीरो रहेगी, आइडेंटिटी एक ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, लेकिन इनवर्स हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। तो जैसे मेरे पास एक सवाल है यहां पे, उन्होंने बोला है कि इस वाले ऑपरेशन को डिफाइन किया हुआ है कि एक्स स्टेरिक बराबर है 5xy के, और लिखा हुआ है कि देन इनवर्स ऑफ 2, कि वो आपको बोल रहे हैं निकालो इनवर्स ऑफ 2, और ऑपरेशन में दोबारा लिख देता हूं एक्स स्टेरिक वाई 5xy, ये ऑपरेशन है और आपको बोल रहे हैं कि भाई इनवर्स ऑफ 2 निकालो। अब 2 का इनवर्स आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। इस वाले सीन में आइडेंटिटी क्या है, अभी बताया था 1/5। जैसे आपने इधर एक इक्वेशन बनाई थी ना, यहां पे एक इक्वेशन बनाओगे, कैसी इक्वेशन? अगर आपको याद हो आपने 2 का इनवर्स निकालना है ना, जो एडिशन था उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि 2 के अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि रिजल्ट में मेरे पास आइडेंटिटी आए, मतलब जीरो आए, जीरो आइडेंटिटी होती थी ना, तो 2 के अंदर मैं -2 ऐड करता था, ठीक है। लेकिन इक्वेशन को जरा गौर करना कि 2 के अंदर मैं किसको ऐड करूं कि रिजल्ट में आइडेंटिटी आ रही हो। सेम यहां पे लेट करते हैं कि मुझे 2 का इनवर्स निकाल लेना, तो 2 को मैं किस नंबर से ऑपरेट करवाऊं, एक्स प्राइम कह देते हैं, कि रिजल्ट में मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे कि 2 को मैं किससे ऐड करवाऊं रिजल्ट में आइडेंटिटी आए, यहां पे 2 को मैं किससे ऑपरेट करवाऊं कि रिजल्ट में मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। अब ये इक्वेशन आपने कंसीडर करनी होती है। अब यहां पे अगर आपको बोल दिया जाता है कि इनवर्स ऑफ 5 निकालो, तो आप इक्वेशन कंसीडर करते हैं 5 स्टेरिक एक्स प्राइम इक्वल टू ई, ठीक है। अब ये 2 स्टेरिक एक्स प्राइम क्या होगा, इस पे ये वाला ऑपरेशन लगा दो। जब 2 के दरमियान ऑपरेशन क्या होता है 5x, पहली चीज क्या है 2, दूसरी चीज क्या है यहां पे एक्स प्राइम, मतलब इस ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जब भी किसी दो नंबर के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करो तो ये बराबर होगा 5xy के, तो इन 2 के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म किए ये बराबर हो गया 5xy। और यहां पे आपको पता आइडेंटिटी क्या थी, 1/5 थी, 5 × 2 = 10, 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा। इसका मतलब 2 का इनवर्स क्या है यहां पे 1/50 है। तो ये वो मेथड है जिसके तहत आप किसी भी नंबर का अगर आपको बोले तो आप आसानी से इनवर्स निकाल सकते। रेशनल में एडिटिव आइडेंटिटी कैसे सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि जीरो आता ही नहीं है ना रेशनल में। नहीं नहीं, किसने कहा भाई जीरो रेशनल नंबर है, क्या हो गया? जीरो जो है एक रेशनल नंबर है, जीरो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो रेशनल नंबर है। रेशनल में तो मैंने बताया था इंटीजर्स नेचुरल हर नंबर आ जाता है उसके अंदर। हाँ ये अच्छा सवाल हो सकता था कि इरेशनल, इरेशनल क्या होंगे वैसे, ये अच्छा सवाल है क्योंकि हाँ इरेशनल वैसे क्या होंगे, मैं अगर बात करूं इरेशनल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव करते हैं तो क्या वो क्लोज होंगे? सवाल बड़ा अच्छा है यार ये। कोई भी दो इरेशनल नंबर पिक करो, 3+√2, या मे भी कर सकते हो √2 एक इरेशनल नंबर है, -√2 ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने इन दो इरेशनल नंबर को पिक कर लिया, दोनों इरेशनल है, मतलब यहां तक आप लोग एग्री करोगे √2 भी इरेशनल है -√2 भी इरेशनल है। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो रिजल्ट में क्या आता है, जीरो। जीरो क्या इरेशनल है? नहीं, जीरो तो रेशनल होता है। इसका मतलब इरेशनल जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि जब आप दो इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट में वो चीज आ रही है जो इरेशनल नंबर से बिलोंग कर ही नहीं रही, क्योंकि जीरो जो है वो रेशनल है, इरेशनल नहीं है। उसका मतलब इरेशनल तो नाम ही नहीं दोगे, इवन ये ग्रुपॉइड भी नहीं है, पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बात करो तब भी ये वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे मैं पिक करता हूं √2 और √8 को, ये दो इरेशनल नंबर है, एग्री करोगे आप? इरेशनल नंबर का सेट था उसमें से मैंने √2 √8 उठा लिया। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है अंदर वाली चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16, √16 क्या होता है 4 के बराबर, अगेन 4 जो है वो इरेशनल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता,
ठीक है, तो यहां से आपने ऑब्जर्व किया कि इरेशनल नंबर क्लोजर को ही सेटिस्फाई नहीं करते। तो एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, ये बात भी चलो मैंने आप लोगों को बता दी है। खैर ये बात भी मैंने आपको समझा दी थी, तो कोई भी सवाल है पूछ लो। चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, कोई इशू यहां तक? क्लास थोड़ी लंबी हो गई है हमारी आज। सर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं यार, वो टॉपिक यार वो टॉपिक इतना आता नहीं है। एक सेकंड जरा मैं देख लेता हूँ एमसीक्यूज में, मेरे पास कोई ऐसा एमसीक्यूज है नहीं, वो टॉपिक इससे रिलेटेड ही है लेकिन अलग से वो देते नहीं है। एक सेकंड, अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आप इसी में कंसीडर कर लो। अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर खैर एक अलग मतलब कॉन्सेप्ट भी उसमें आ जाता है, लेकिन जो आपने बातें पढ़ी ना मोनोइड सेमी ग्रुप ये भी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब ये वही चीज है जो मैंने आपको ग्रुप बताए थे ना कि एक सेट है एक ऑपरेशन है, तो उसी से रिलेटेड बातें होती हैं। डिटेल में नहीं जाते लेकिन वो यही बातें हैं, आपको अलग से कोई नई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो आप बातें पढ़े उसको आप अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही कंसीडर कर लो। सही चीजें कहां काम आती हैं रियल लाइफ में? यार रियल लाइफ में ये चीजें तो खैर काम नहीं आएंगी, उसकी रीजन ये है कि ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये मैथमेटिक्स जो है ये जो मैथमेटिक्स है इसको आप प्योर मैथमेटिक्स कहते हो। इस मैथमेटिक्स का काम सिर्फ इतना है कि आपको प्रूफ करने में प्रॉपर्टीज को प्रूफ जब आप करते हो किसी लॉ को किसी एक्सियोम्स को या पोस्टुलेट्स, इन सब चीजें होती है ना इनको प्रूफ करने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्योर मैथमेटिक्स आपको रियल लाइफ में नजर नहीं आएगी। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ये भी आपको फिलहाल नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपके जितने सॉफ्टवेयर और जितनी चीजें वो इन चीजों पे बेस कर रहे हैं। इवन आपके वेदर का फोरकास्ट के अगले आपका मौसम कैसा होगा उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपने मालूम करना है कि जहाज की पूरी एरोडायनामिक्स उसके पीछे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपको मालूम करना है कि समंदर के अंदर टाइड्स ज्यादा होंगी बड़ी होंगी टाइड्स मतलब लहरें बड़ी होंगी कम होंगी उसके पीछे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो आपको नजर आ जाती है, लेकिन रियल मैथमेटिक्स एक काइंड ऑफ प्रूफ के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ये आपको वैसे नजर नहीं आएगी। अच्छा यहाँ पे एक सवाल है मेरे पास, ये शायद आप लोगों को आता होगा, कंपोजिशन टेबल है, अगर किसी को नहीं आता तो वो देख ले, या आप लोगों को उसमें भी था एकदम से मेरे पास आ गया। एमसीक्यू में डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन अब जब यहाँ पे बात मैंने तकरीबन हर चीज कर ली है तो उसको भी कर लेते हैं। क्या आपके पास इस टाइप का सेट आता है कोई? जैसे एक सेट है और सवाल उन्होंने दिया है कि द सेट इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू विच बाइनरी ऑपरेशन, मतलब इसको वो कह रहे हैं कि ये ग्रुप है बताओ किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट से मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को कभी अलग अलग भी वो दे देते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन वाला ऑप्शन भी आपको नजर आ जाएगा तो आप करके देख लेना अलग से अगर वो दे रहे हैं आपको। तो आप कैसे मालूम करते हो? आप एक टेबल बनाते हो यहां पे, कंपोजिशन टेबल कहते हैं हम इसको। ऑप्शन में लेट कर लो आपके पास पॉजिटिव हो मल्टीप्लीकेशन हो नेगेटिव हो, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, या अगर डिवीजन भी दे रहे हैं वो अलग से, इस ऑप्शन में नहीं दे सकते क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी आंसर होगा फिर डिवीजन भी आंसर बन जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। कंसीडर कर लो तीन ऑपरेशन आपको दे दिए जाए। असल में बता रहा हूं चेक आप किस तरीके से करोगे, तो लेट कर लो पॉजिटिव करके चेक करो। सबसे पहले इस कंपोजिशन टेबल को ना फिल करो, ग्रुप बाद में बात आती है, पहले आपने देखना है क्लोज है या नहीं है। तो जब आप वन और वन मतलब आप इस तरह ऑपरेट करते हो, इसको इससे करते हो फिर इसको इससे करते हो फिर इसको इस तरह करते हो, आई होप शायद ये आप लोगों को बताओ, मैंने प्रोबेबिलिटी में भी नहीं प्रोबेबिलिटी तो पढ़ाई नहीं अभी। अच्छा वन प्लस वन करोगे तो टू आएगा, यहीं पे आप रुक जाओ। टू जो है क्या वो सेट से बिलोंग करता है? नहीं करता। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव ये सेट क्लोज ही नहीं है। जब आप वन और वन के दरमियान एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्लोज ही नहीं है, ठीक है। अब आप चले जाओ सब्ट्रैक्शन पे, वन और वन को माइनस करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? जीरो। जीरो के सेट से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं करना। इसका मतलब ये सेट जो है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव क्लोज ही नहीं है, ग्रुप तो बाद में बात आएगी क्लोज ही नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देख लो, तो वन को वन से मल्टीप्लाई करो, वन वन को मेगा से करो, वन को मेगा स्क्वायर से करो, इसी तरह ओमेगा को वन से करो, ओमेगा को ओमेगा से करो, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करते हो तो ओमेगा क्यूब आता है और ओमेगा क्यूब वन के बराबर होता है,
फिर ओमेगा स्क्वायर को 1 से करो, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करो, ओमेगा क्यूब अगेन 1, और फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो ओमेगा 4 आएगा, और ओमेगा 4 बराबर होता है ओमेगा के। तो अगर आप इन 9 के 9 एलिमेंट्स को देखो वो इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्लोज है, बाकी बातें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप ऑप्शन में बाकी ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही ठीक होगा। यहां पर चेक करना चाहो तो कर लो आप, यहां पर इसमें आइडेंटिटी जो है 1 होगी, क्योंकि 1 को जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस नंबर को फर्क नहीं पड़ रहा। 1 को मैंने 1 से किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 को मैंने ओमेगा से किया कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह आप इस तरह भी देख सकते हो कि ओमेगा को मैंने 1 से किया ओमेगा को असर नहीं पड़ा, ओमेगा स्क्वायर को मैंने 1 से किया ओमेगा स्क्वायर को असर नहीं पड़ा। तो इसमें आइडेंटिटी क्या है वो 1 के बराबर है, और इनवर्स भी आप देख सकते हो, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही होगी। 1 का इनवर्स क्या चीज, ओमेगा स्क्वायर किसी के बराबर नहीं होता, ओमेगा स्क्वायर को आप 1 अपॉन ओमेगा के बराबर ले सकते हो, लेकिन वैसे ओमेगा स्क्वायर जब सेट के अंदर मौजूद है ना तो आपको भी किसी के बराबर लिखने की जरूरत नहीं है। ओमेगा क्यूब को मैंने 1 इसलिए लिखा था क्योंकि ओमेगा क्यूब आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप लोग कहोगे सर ये तो क्लोज ही नहीं है, तो ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 लिख दिया था कि ये सब चीजें मौजूद है। तो इस टाइप की टेबल भी आ जाते हैं, आपसे क्लोज का पूछ लेंगे या आपसे ग्रुप का पूछ लेंगे, तो ये इजी है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप लोग इस तरह बना के कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे क्लास तो मेरी ओवर होगी, लेकिन एक और बात याद आइए कि आइडेंटिटी का तो मैंने आपको बता दिया था ना कि ओमेगा को 1 से करो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर को 1 से करो ओमेगा स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप लोगों का सवाल हो सकता है कि इनवर्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे ये इनवर्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसकी साइज इस तरह है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आप बात कर रहे हो ना, तो 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 ही होता है जो कि सेट के अंदर ऑब्वियसली मौजूद है। ओमेगा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा, और 1 अपॉन ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ओमेगा के, वो भी यहां पे मौजूद है। इसका मतलब यहां पे जो तीनों एलिमेंट है उनके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो भी सेट के अंदर मौजूद है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलोगे, ग्रुप बोलोगे। और वैसे भी अगर आपके 2-3 ऑप्शन बाकी कैंसिल हो जाए तो ऑब्वियसली फिर मल्टीप्लीकेशन ही ठीक होगा यहां पर, इस तरह भी आप चेक कर सकते हो।